और से इन तीनों चीजों के लिए आपके किसानों को मूल्यवर्धित दाम मिले और एमएसपी का लाभ मिले, उसके लिए आप पीएम किसान योजना का बेनिफिट मिले इसके लिए, और पेंशन की योजनाओं का बेनिफिट भी दिल्ली के क्षेत्र में रहे किसानों को कैसे मिल सकता है उसके बारे में हमारी ओर से क्या हो सकता है, वो निश्चित रूप से उसका संज्ञान लेके फिर आपकी जानकारी में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 रवि किशन जी। क्वेश्चन नंबर 46 माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी, प्रणाम करता हूं। और मैं हृदय से आभारी हूं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी कृपा से आज विश्व के लोकतंत्र के इतने बड़े मंदिर में मुझे खड़ा रहने का ये मौका मिला। महोदय, आज गाय और गौवंश के अस्तित्व पे खतरा मंडरा रहा है, ये गंभीर चिंता का विषय है। इस चिंता को ध्यान में रखते हुए हमारे दूरदर्शी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पशुपालन को एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार गाय और गौवंश के संरक्षण हेतु गौ पालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को दाद सहायता देने पर विचार कर रही है, यदि हाँ तो कब तक लागू किया जाएगा, इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और गौ पालन को बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद। माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है सचमुच में देश के लिए ये महत्वपूर्ण विषय है कि आज देश में जितना हम क्रॉप से आमदनी करते हैं उससे ज्यादा हम दूध से आमदनी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन हम गाय का संरक्षण कर रहे हैं, मोदी जी की सरकार ने, पिछली सरकार ने गोकुल मिशन लाया, उसमें हमने सारे प्रावधान को रखा, नस्लों के सुधार को, उनके स्वास्थ्य को, उनके संरक्षण को, नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश में हम संरक्षण कैसे करें। आज एक बड़ी समस्या कि जब हमारे यहां मेल बछड़े हो जाते तो उसके लिए किसानों के लिए समस्या होती, अब हमने सेक्स सीमन की व्यवस्था कर रहे हैं जो किसानों को उपलब्ध होगा और बछिया ही पैदा होगी। केवल वही नहीं महोदय, हम ईटी एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की व्यवस्था करेंगे, उसके लिए 30 स्थान हमने चिन्हित की है। तो इस तरह से आईवीएफ टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी का भी सहारा ले रहे हैं। और अभी प्रथम कैबिनेट में पहले प्रधानमंत्री होंगे जो 13,500 करोड़ रुपया केवल पशुधन के रोगों से मुक्त कराने के लिए दिया है महोदय। इसलिए मैं आश्वस्त कराना चाहता हूं कि उनके संरक्षण की पूरी व्यवस्था की जाएगी। धन्यवाद मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जैसे कि गौ हमारी राष्ट्र की संपत्ति है और हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, अटल जी ने कहा था। मैं आदरणीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार गौशालाओं को गौ अनुसंधान केंद्र के रूप में विकसित करने का विचार रखती है। मेरे प्रश्न का संदर्भ इस बात से है कि हमारे देश में आजकल बाहर की गौ प्रजातियों को अधिक प्रोत्साहन मिल रहा है और स्वदेशी प्रजातियां उपेक्षित हो रही हैं। स्वदेशी प्रजातियां हमारे भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल है महोदय जी, और अगर उन्हें प्रोत्साहित ना किया जाए तो उनके जेनेटिक पूल नकारात्मक तरीके से प्रभावित होते हैं। इसीलिए मेरी सरकार से आग्रह है कि इन्हें गौ अनुसंधान केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। क्या सरकार की ऐसी योजना, और जैसे कि आवारा गौवंश को संरक्षित करने के लिए भी सरकार क्या न्याय पंचायतवार गौरक्षण केंद्र पर विचार कर रही है महोदय? धन्यवाद महोदय। इन्होंने माननीय सदस्य ने पशुओं को मैं आवारा नहीं कह सकता, बेसहारा कहता हूं। ये बेसहारा पशुओं के संरक्षण का काम राज्य सरकार के द्वारा, और मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश सरकार को जिन्होंने 4,000 आश्रय केंद्र खोला, क्योंकि ये राज्य का विषय होता है, राज्य के विषय में। और लगभग 20,03,703 पशुओं को आश्रय देने का काम किया है। ये योगी जी की सरकार को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।
भारत सरकार के अंदर एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, उसके तहत हम पशुओं को संरक्षित करते हैं, उसके लिए योजना भी है, जो योजना आती है उन योजनाओं के साथ उनको जोड़ने का काम करते हैं। और मेरे